आइए भक्तों, आज जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा कब है। 2024 में जाने तिथि, पूजा विधि और उपाय। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि आषाढ़ पूर्णिमा कहलाती है। सभी माह की पूर्णिमा में आषाढ़ पूर्णिमा को सबसे खास माना गया है। इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ मां लक्ष्मी की पूजा का विधान है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन महर्षि वेद व्यास जी का जन्म हुआ था, इसीलिए इसे व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं। मान्यता है कि महर्षि वेद व्यास को संसार का पहला गुरु माना जाता है। उनका हिंदू धर्म की संस्कृति में काफी खास योगदान रहा है। इस तिथि पर अपने देवी देवताओं के साथ साथ गुरुओं की पूजा करना बेहद शुभ होता है। आइए जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा कब है। इस साल 21 जुलाई 2024 को आषाढ़ पूर्णिमा मनाई जाएगी। इस दिन व्रत रखने के साथ साथ कुछ खास उपाय भी किए जाते हैं, जो जीवन में सुख समृद्धि को बढ़ाते हैं। इसी कड़ी में आइए जान लेते हैं कि आषाढ़ पूर्णिमा के दिन किन उपायों को करना चाहिए। आषाढ़ पूर्णिमा 2024 शुभ मुहूर्त। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 20 जुलाई को शाम 5:59 पर शुरू होगी। इसका समापन 21 जुलाई 2024 को दोपहर 3:46 पर होगा। ऐसे में आषाढ़ पूर्णिमा 21 जुलाई 2024 को मनाई जाएगी। इस दौरान चंद्र उदय का समय शाम 6:47 पर है। आषाढ़ पूर्णिमा पूजा विधि। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करना चाहिए, इससे जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। इसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाए, फिर माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु की पूजा करें। पूजा में चंदन और हल्दी का उपयोग करना शुभ होता है। इस दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः के मंत्र का 108 बार जाप करें। इसके बाद शाम के समय चंद्रमा को अर्घ दे, इससे जीवन में हमेशा खुशहाली बनी रहती है। चंद्र दोष का उपाय। अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में चंद्रमा का दोष है तो उसे आषाढ़ पूर्णिमा पर चंद्र देव की पूजा करनी चाहिए। पूजा में बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। माना जाता है कि ऐसा करने से चंद्रमा की स्थिति मजबूत होती है और लाभ के योग बनते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आषाढ़ पूर्णिमा पर जरूरतमंद को दान करना चाहिए। इस दौरान सफेद वस्त्र, चावल, दूध, सफेद मिठाई, चांदी, मोती आदि का दान कर सकते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन पूजा में माता लक्ष्मी के ओम श्री ही श्री महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करें। माना जाता है कि इससे उनकी कृपा बनी रहती है। इस दौरान आप केसर मखाना और सूखे मेवे की खीर बनाएं। इसके बाद विष्णु जी और मां लक्ष्मी को उसका भोग लगाएं। माना जाता है कि इससे जीवन में सकारात्मक बनी रहती है। आषाढ़ पूर्णिमा 2024 उपाय। आषाढ़ पूर्णिमा पर करें 3 उपाय। नाराज पितृ होंगे खुश, लक्ष्मी कृपा से धन से भर जाएगी तिजोरी। आषाढ़ पूर्णिमा का व्रत 20 जुलाई के दिन शनिवार को है, जबकि आषाढ़ पूर्णिमा का स्नान और दान 21 जुलाई को होगा। पंचांग के अनुसार इस बार आषाढ़ पूर्णिमा की तिथि 20 जुलाई को 5:59 से शुरू होगी और यह तिथि 21 जुलाई दिन रविवार 3:46 तक रहेगी। आषाढ़ पूर्णिमा के दिन आप कुछ आसान उपायों को करने के अपने पितरों को खुश कर सकते हैं और माता लक्ष्मी की भी कृपा पा सकते हैं। आषाढ़ पूर्णिमा के इन उपायों से आपकी तिजोरी भर सकती है, धन और दौलत में बढ़ोतरी हो सकती है। तो आइए जानते हैं आषाढ़ पूर्णिमा के दिन किए जाने वाले उपाय। पहला, आषाढ़ पूर्णिमा व्रत के दिन आप संकल्प करके उपवास करें और प्रदोष काल में माता लक्ष्मी की पूजा करें। माता लक्ष्मी को पूजा के समय कमल गट्टा, कमल के फूल, लाल गुलाब के फूल, पीला कौड़िया या फिर हल्दी
लगी हुई सफेद कौड़िया चढ़ानी चाहिए। ये माता लक्ष्मी की प्रिय वस्तु है। इसके साथ ही देवी लक्ष्मी को मखाने की खीर, बतासे, फिर दूध से बनी सफेद मिठाई का भोग लगाए, श्री सूतक का या कनक धारा स्तोत्र का पाठ करे। माता लक्ष्मी से जुड़े इन उपायों को करने से धन संपत्ति और वैभव में बढ़ोतरी होती है। दूसरा, आषाढ़ पूर्णिमा के दिन ब्रह्म मुहूर्त या सूर्योदय के बाद किसी पवित्र नदी में स्नान करें या फिर घर पर ही स्नान कर ले। इसके बाद वस्त्र पहने अपने पितरों का स्मरण करके उनके लिए जल, काले तिल और कुश से तर्पण दे। कुश के उग्र भाग को पोरे से तर्पण देने से जल पितरों को प्राप्त होता है, इससे वे तृप्त होते हैं। तर्पण के समय आप कह सकते हैं कि हे पितृगण, आपको जल से तृप्त कर रहा हूँ या कर रही हूँ, आप सभी इससे तृप्त हो और प्रसन्न हो। तर्पण के अलावा आप अपने पितरों के लिए घर पर भोजन बनाए, फिर उसका कुछ अंश गाय, कौवा, कुत्ता आदि को खिला दे। मान्यता है कि ऐसा करने से वह भोजन पितरों को प्राप्त होता है, इससे वे तृप्त होते हैं। इसके अतिरिक्त आप पिंड दान आदि कर सकते हैं। इन उपायों को करने से नाराज पितर भी प्रसन्न होते हैं। वे अपने वंश को सुखी जीवन, धन्य धान्य, संतान, सुख आदि का आशीर्वाद देते हैं। तीसरा, पूर्णिमा का संबंध चंद्रमा से है। इस रात चंद्रमा 16 कलाओं से युक्त होकर प्रकाशवान होता है। आषाढ़ पूर्णिमा व्रत की रात आप चंद्रमा को अर्घ दे। चंद्रमा को कच्चे दूध, पानी और सफेद फूल से अर्घ देना चाहिए। चंद्र देव की पूजा करने से कुंडली या चंद्र दोष दूर होता है। चंद्रमा के बीज मंत्र का जाप करें। किसी गरीब ब्राह्मणों को चावल, चीनी, सफेद बस, सफेद फूल, मोती, चांदी आदि का दान कर सकते हैं। चंद्रमा के शुभ प्रभावों को आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी। मन शांत और स्थिर रहेगा। आप सही फैसले कर पाएंगे और तनाव नहीं होगा।